अभी तक आपने और हमने चंद्रयान और मंगलयान के बारे में ही जाना है, लेकिन अब आप जल्दी देखेंगे कि पृथ्वी से बुलेट ट्रेन में सवार होकर इंसान चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच सकेगा। दरअसल जापान एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत जापान धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। जापान की ये योजना है कि वो पहले चंद्रमा तक और उसके बाद फिर मंगल ग्रह तक पहुंचेगा। इसी के साथ साथ जापान मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की भी विचार कर रहा है। मतलब यह है कि जापान मंगल ग्रह पर एक ऐसा आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट बनाएगा जिसका वातावरण पृथ्वी जैसा बनेगा। इस प्रोजेक्ट को जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और काजिमा कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। हेक्सागन स्पेस ट्रेक सिस्टम नामक प्रणाली पर तैयारी की जा रही है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि इंटर प्लैनेटरी स्पेस टनल पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल के बीच यात्रा करते समय अपना गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगी। वहीं आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट के प्रोजेक्ट को जापानी शोधकर्ताओं ने ग्लास नाम दिया है। इसके तहत जापानी वैज्ञानिकों ने चांद पर लगभग 1300 फीट की संरचना बनाने की कोशिश की है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि इसे अंतिम रूप देने में लगभग 100 साल लगेंगे।